अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। दून क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी लोगों को रोज नया शूफा देके गुमराह कर रहे हैं। दून में राजनीति की सर्द हवाएं जोरों शोरों से चलने लगी हैं। पूर्व विधायक राम कुमार ने मौजूदा भाजपा के विधायक परमजीत पम्मी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने 20 ट्यूबवेल सैंक्शन करवाए हैं, वह तो कांग्रेस के टाइम में ही डीपीआर बन गया था। वो लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। दून क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी लोगों को रोज नया शूफा देके गुमराह कर रहे हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने 20 ट्यूबवेल सैंक्शन करने की बात करी। मैं पूछना चाहता हूँ पम्मी जी से कि मुझे बताएं कि 20 ट्यूबवेल उन्होंने किस वर्ष की डीपीआर में, किस वर्ष की विधायक प्राथमिकता में डाले, इनकी डीपीआर कब बनाई गई, इनका सर्वे उन्होंने कब करवाया और कब इनकी अनाउंसमेंट करवाई। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास रिटर्न प्रूफ पड़ा है। चुनाव के दौरान मैंने 750 करोड़ रुपये खर्च करने की एक किताब जो है, लगभग 5,000 कॉपियाँ उसकी मैंने पूरे इलाका में तकसीम की थी, जिसमें ये लिस्ट जो है 20 नंबर ट्यूबवेल की, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना है। इस लिस्ट में 20 ट्यूबवेल अंकित हैं कि जिनकी मैंने बकायदा सर्वे करवाया विभाग के टेक्निकल लोग आके उन्होंने पॉइंट सेलेक्ट किए, उसके बाद ये ट्यूबवेल जो है उस कार्य को स्वीकृत के लिए मैंने भेजे। ये वर्ष 2016-17 की बात है। एमएलए साहब, अगर ये 20 ट्यूबवेल आपने दिए, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपके गांव लेही में भी एक ट्यूबवेल की जरूरत है, तो वहां पे आपने ये ट्यूबवेल क्यों नहीं दिया? फकीर का एक खीर खाने का शौक है, अभी तक आपने जो उद्घाटन किए, जो मेरे द्वारा सेंट्रल स्कीम में थी उनके किए, जो स्कीमें चालू मैंने की हुई थी उनको आप कंप्लीट नहीं कर पाए, जो ट्यूबवेल मैंने लगा के छोड़े थे उन ट्यूबवेल को आप चालू नहीं करवा पाए। आपको पता क्या है कि ट्यूबवेल लगते कैसे? जो विधायक 2 वर्ष में एक ही ट्यूबवेल जो लगे हुए ट्यूबवेल जो स्विच ऑन होना बाकी है जिनमें, उन ट्यूबवेल को चला तक नहीं सका, क्या वो नए ट्यूबवेल सेंक्शन कराएगा? मैं आरटीआई डलवा रहा हूँ। अभी विधायक साहब से मेरा निवेदन है कि अगर उन्होंने इन 20 ट्यूबवेल की किसी भी विधायक प्राथमिकता में, किसी सूची में, किसी चिट्ठी में सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो उस चिट्ठी को कृपया जग जाहिर करें, विधायक प्राथमिकता की कॉपी प्लानिंग विभाग से ला के लोगों को दिखाएं कि ये मैंने इस वर्ष की विधायक प्राथमिकता में डाला था। अभी तो 2 ही बजट पेश हुए हैं, ये सरासर झूठ है। पम्मी जी, गुमराह करना छोड़ दो लोगों को। आपका असली चेहरा समझ आ गया है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम मीठी भाषा बोल के लोगों को आपने गुमराह करके वोटें तो ले ली, लेकिन अब जो है आप सबसे पहले विधायक जो हिमाचल प्रदेश के हैं, पहले ऐसे फेल विधायक साबित हुए हैं। ऐसा कोई विधायक फेल साबित नहीं हुआ है। आपकी हालत जो है बहुत खस्ता है। आप मेरे द्वारा चलाई गई स्कीमों का श्रेय केवल लेके भावाई लूट रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। BBNT में 72 करोड़ रुपये मैंने छोड़े थे जिसके काम अभी तक हुए हैं। अक्का वाली पुल, थाना का पुल, पुलों के टेंडर लग के काम शुरू हो गया था, वो अपना नाम करने के लिए, वहाँ पे अपना कट्टा लगाने के लिए उनका टेंडर कैंसिल कराया, अभी तक आपसे वो टेंडर नहीं हुआ। आप काहे के विधायक हैं? आपने लोगों का नुकसान कर दिया बहुत बड़ा। जो रफ्तार हमने दून क्षेत्र को विकास की दी थी वो गति थम गई है। जो पुल मैंने लगाने शुरू किए थे सब पुल जो है उनके काम ठप पड़े हैं, पानी की स्कीमों के काम ठप पड़े हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समय आने पे बोली जाएंगी। और हम लोग अपने टाइम में 750 मकान एक साल में पंचायतों को देते थे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे मंत्री जी
वेलफेयर के जिला सोलन के हैं, आप विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन आपका सारा का सारा बजट जो है मकानों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। किसी भी पंचायत में मेरे को विधायक बता दें कि ये दो वर्षों में उन्होंने एक ही मकान किसी का बनाया हो, किसी का मकान नहीं बन पाया। तो इसलिए पम्मी जी गुमराह करना छोड़ दें, अपनी मेहनत करके पैसे जो लाएंगे उस दिन मैं कहूँगा कि हाँ ये काम पम्मी जी ने किया, धन्यवाद। ये ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ के ये ट्यूबवेल में पढ़ के सुना रहा हूँ, इन लोगों के गाँव में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कृपा करें। मेरे सभी वर्करों से निवेदन है, ये जो 20 ट्यूबवेल हैं इसमें ग्राम पंचायत मानपुरा, ग्राम निचला उपरला ठेडा, झंडे वाली खरूणी, ग्राम पंचायत लोधी माजरा में, ग्राम लोधी माजरा के लिए, जट्टी माजरा के लिए एक ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल डोडवाल के लिए और बनबीरपुर के लिए, एक ट्यूबवेल ग्राम थाना के लिए, एक ट्यूबवेल भूपनगर के लिए, एक ट्यूबवेल नारंगपुर के लिए, एक ट्यूबवेल मलपुर के लिए, एक मलकू माजरा के लिए, एक ट्यूबवेल मलकू माजरा घाट के लिए, गांव उपरला भुट के लिए एक ट्यूबवेल, गांव निचली भुट के लिए एक ट्यूबवेल, गांव भटौली कलां के लिए एक ट्यूबवेल, मुस्लिम बस्ती कुंझार के लिए एक ट्यूबवेल, गांव भटौली कलां के लिए एक ट्यूबवेल, गांव ब्रुट्टीवाला के लिए एक ट्यूबवेल, गांव सतीवाला और गांव दामोवाला के लिए एक एक ट्यूबवेल, ग्राम पंचायत मंथाला में उपरला मंथाला के लिए एक ट्यूबवेल, सूरजपुर में गाँव सूरजपुर के लिए एक ट्यूबवेल, ग्राम पंचायत ढेला में गांव कोंडी के लिए एक ट्यूबवेल, ग्राम पंचायत गुलवाड़ा के गांव चक्का के लिए एक ट्यूबवेल और गांव कड़ुवाणा और गुलवाड़ा के लिए एक एक ट्यूबवेल जो है वो मैंने इस कॉपी में डाल के भेजे हुए थे। इनका सर्वे जिनका पूरा ढांचा तैयार करके जो है केवल उसका टेंडर लगना नबार्ड से पैसा आना बाकी था, तो पैसा अभी आया कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सरकार चलती है, जो पिछली स्कीम है वो 2 साल तक चलती रहती है कई बार। तो इसलिए मेरा निवेदन है के लोगों को गुमराह न करें, ये मेरी सेंक्शन है, मैंने ये ड्यूल दी हुई, धन्यवाद। एनकाउंटर न्यू बद्दी से सचिन बंसल की रिपोर्ट।